देश भर में लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान। 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई, छठा 25 मई और सातवें चरण में 1 जून को होगा मतदान। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का किया ऐलान। कहा 55 लाख ईवीएम के जरिए होगा चुनाव। चुनाव के दौरान 4 लाख वाहनों का होगा उपयोग। चुनाव आयोग के पास कुल 96,08,00,000 मतदाता पंजीकृत। 20 करोड़ युवा भी डालेंगे वोट। 2,18,000 मतदाता 100 साल से ऊपर। 1,89,00,000 से ज्यादा नए मतदाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की जनता ने चुनाव से पहले ही कर दिया है नतीजों का ऐलान। भाजपा अब की बार 400 पार। मेरा भारत मेरा परिवार नाम से थीम सॉन्ग की हुई लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो किया पोस्ट। पूर्व आईएएस अधिकारी नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभाला। साल 2020 से ए सूर्य कुमार का कार्यकाल खत्म होने के बाद से खाली चल रहा था प्रसार भारती के अध्यक्ष का पद। समन अनदेखी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के समन की अनदेखी का मामला। 15,000 के बेल बॉन्ड और 1,00,000 की सिक्योरिटी पर मिली जमानत। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी का हुआ आगाज। भाजपा में हुई शामिल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी संशोधित वेबसाइट का किया अनावरण। उपयोगकर्ता आसानी से ऐतिहासिक स्थलों से लेकर शैक्षणिक संसाधनों तक भारत की समृद्ध संस्कृति की देखेंगे झलक।